बंदे को चौक में खड़ा करके उसे इतनी जुतियां मारनी, 100 चाहिए गिननी, 1 चाहिए कि मरे हुए इंसान को कौन बात करे, तुम जाहिल घटिया बदतरीन और बेनस्ल इंसान हो कि भट्टा कंजर जड़ा है वो मर गया है, एक कंजर पहले मरिया से, तुम खुद क्या हो कंजर, तो तुम खुद हो कि लोग तुम्हें सही पॉजिटिव जवाब दे भी नहीं रहे, तुम उनके साथ गुस्सा हो करके तुम बात कर रहे हो। साइको इंसान, शीशा उठा के देखो और अपने आप को देखो, तुम्हें शर्म आए कि तुम कितने वहां पे डरावने और फरौन लग रहे हो, तुम्हें सब थू थू कर रहे हैं, पूरी फील्ड का लोग तुम्हें गालियां दे रहे हैं, घटिया इंसान ये है, तेरे कंजर रहे हैं, फलाने रहे हैं, ढींगने रहे हैं, नहीं ओ नहीं, तुम खुद क्या, कोई हम लोगों के साथ जाके सोते नहीं, कोई हम फंक्शन नहीं करते जिसको तुम बुरा कह रहे हो, स्टेज पे आके कोई हमें हाथ नहीं लगा सकता, हम अपनी मेहनत की पसीना बहा के, ये पसीना देख रहे हो, ये पसीना मेहनत का आया हुआ, मेहनत की करके खाते हैं, जिसको ये कंजर बोल रहा था FIR उन्होंने एक बार उनके थाने में दी है इसके खिलाफ, नसीम विक्की साहब के बारे में मजाक उड़ा रहा था, नसीम विक्की साहब की जूती के बराबर नहीं हो तुम, तुमने गलत बात की है, तुम मेरे सामने आओ तो मैं चपेड़े मारूंगी, टका टका के मारूंगी, हम औरतें हैं हम डर जाएंगी, नहीं बाबा नहीं, हम मरते मार घर से बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, हजार बंदों को देखते हैं, तुम्हारे जैसे टट्टू हो तो कुछ समझते ही नहीं, आइंदा के बाद सोच समझ के बात करना, वरना मैं तुम्हें फाड़ के रखूंगी, तुम्हारी वो हालत करूंगी, तुम याद रखे जी। आफरीन क्या कहेंगे, गुज़िश्ता दिनों से एक वीडियो वायरल है, उसमें उसने सरदार कमाल साहब को और तारक टैडी साहब को बुरा भला कहा और बहुत गलत जो लैंग्वेज है वो इस्तेमाल की उनके लिए, इस हवाले से क्या कहेंगी आप इस बारे में? मैं जितनी पॉसिबल हूँ उतने कम है। उस बंदे को चौक में खड़ा करके उसे इतनी जुतियाँ मारनी, 100 चाहिए गिननी, 1 चाहिए, आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि मैं क्या बोलूँगी? अच्छा तो मैं कुछ बोलने नहीं लगी, जाहिर सी बात है जैसा वो बंदा है वैसी ही बात करूँगी कि मरे हुए इंसान को कौन बात करे, तुम जाहिल घटिया बदतरीन और बेनस्ल इंसान हो, तुम मर्द नहीं हो, तुम मुसलमान नहीं हो, अगर तुम होते हैं तो तुम्हें पता लगता कि कोई मर जाए तो उसकी मगफरत की दुआ करते हैं। मुझे गुस्सा ये नहीं कि इसने बोला कंजर फलान ये वो जो मर्जी कहते हैं उसके कहने से तो नहीं हो जाना, गुस्सा मुझे ये है कि एक बंदा मर चुका है और उसके बारे में वो बात कर रहा है कि जी बड़ा कंजर जड़ा है वो मर गया है, तो एक कंजर पहले मरिया से, तुम खुद क्या हो कंजर, तो तुम खुद हो जो तुम भीख मांग रहे हो सड़क पे खड़े होकर कि भाई बताएं आप इनके बारे में क्या कहेंगे, लोग तुम्हें सही पॉजिटिव जवाब दे भी नहीं रहे हो, तुम उनके साथ गुस्सा हो करके तुम बात कर रहे हो। साइको इंसान, शीशा उठा के देखो और अपने आप को देखो, तुम्हें शर्म आए कि तुम कितने वहां पे डरावने और फरौन लग रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पे अल्लाह की लानत बरस चुकी है, तुम्हें तो वायरल होने की पड़ी हुई थी, तुमने कहा कि मैं वायरल हो जाऊंगा, मेरे व्यूज आएंगे लाइक्स आएंगे, तुम्हें सब थू थू कर रहे हैं, पूरी फील्ड इंसानियत के तौर पे भी जो है ना लोग तुम्हें गालियां दे रहे हैं, घटिया इंसान, किसी पे उंगली उठाने से पहले अपना गिरेबान देख ले, जिंदा फनकारों को भी गालियां देता रहा है चौक में खड़े हो गए, वो कह रहे हैं कि जी ये जो कंजर रहे हैं फलाने रहे हैं ढींगने रहे हैं, नहीं ओ नहीं, तुम खुद क्या, पहली बात ये खुदा है कौन है, ये इसने पैदा किया हमें, ये कौन होता है बात करने वाला, हम अच्छा करें बुरा करें हम किसी को तंग तो नहीं करते, हम जाके भीख तो नहीं मांगते तुम लोगों से, या तुम्हें ये तो नहीं कहते कि आओ जी आके यूं करो जी, ये देखो जी वो देखो जी, हम अपने बच्चे पाल रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है हमारा ऐसे ही रिजल्ट लगा, हम ऐसे ही कमा रहे हैं, कोई हम लोगों के साथ जाके सोते नहीं, कोई हम फंक्शन नहीं करते जिसको तुम बुरा कह रहे हो, स्टेज पे आके कोई हमें हाथ नहीं लगा सकता, हम अपनी मेहनत की पसीना बहा के, ये पसीना देख रहे हो, ये पसीना मेहनत का आया हुआ, मेहनत की करके खाते हैं, कहता है ये नौजवान जो नस्ल है उनको तबाह कर रहे हैं, तो जो यूनिवर्सिटीज में हो रहा है, जो आइस कर रहे हैं लोग हैं, जो लोग लोगों को मार रहे हैं, जो बंदे बीवियों को मार रहे हैं, जो बेटे बाप को मार रहे हैं, जो माए औलादों को सड़कों पर छोड़कर जा रही, उस पर बात करें ना, वहां पे कहां गया इसकी इंसानियत, वहां पे कहां गया इसका मजहब, वहां पे कहां पे गया इसके असूल, हमारे पे इसकी बात आती है बस, इसके खिलाफ FIR की है तारिक टैडी साहब के बेटे ने, जिसको ये कंजर बोल रहा था, FIR उन्होंने एक बार उनके थाने में दी है इसके खिलाफ, ठीक है, और मैंने भी और डॉक्टर अजम मलिक साहब ने भी, ठीक है, और नसीम विक्की साहब के बारे में मजाक उड़ा रहा था, नसीम विक्की साहब की जूती के बराबर नहीं हो तुम मैं तो कोई जानता ही नहीं है कि तुम कौन हो, तुम प्रोपेगेंडा करते रहते हो कि भाई वायरल हो जाओ और लेजेंड्स का नाम लेके तुमने वायरल होने की कोशिश करी, अल्लाह की लानत तुम पे पड़ना शुरू हो गई, तुम ऐसे वायरल नहीं हो सकते, कोई अच्छी बात करते ना उनके लिए तो सबने साथ देना था, तुमने गलत बात की है, तुम मेरे सामने आओ तो मैं चपेड़े मारूंगी, टका टका के मारूंगी, तुम क्या समझते हो हम औरतें तो हम डर जाएंगी, नहीं बाबा नहीं, हम मर्द
तुम जैसे लोगों को हम फेस करना जानते हैं, आइंदा की बात सोच समझ के बात करना वरना मैं तुम्हें फाड़ के रख दूंगी, तुम्हारी वो हालत करूंगी तुम याद रखे। खबरदार आज के बाद तुमने कोई बात की, तू होता कौन है बात करने वाला, तू मेरे सामने आ, तुझे मैं बताऊंगी फिर कि मैं कौन हूँ और तुमने कैसे हम लोगों के बारे में बात की है। ये सिर्फ मेरी अकेली की बात नहीं, पूरी फील्ड की है। तुम आओगे तो तुम्हें नजर आएगा हमारा इक्का कितना है। तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत क्या है कि तुम बात करो। नसीम विकी साहब सुपरस्टार लेजेंड, उन्होंने इंडिया में भी अपना मनवाया, बाहर की कोई कंट्री में उन्होंने ऐसी नहीं कि जहाँ काम ना किया हो, स्टेज पर लोग उनको देखना तरसते हैं, देखने के लिए देखना चाहते हैं। और तुम कह रही हो वो वहाँ पर रो रहा था, तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ बहन बच्चा भाई मर जाए तो क्या करोगे? ये करोगे वहाँ पे? अफसोस से करेंगे ना, 20,000 से ज़्यादा उनके जनाजे पर लोग थे। ठीक है, अल्लाह ताला ने ये कहा कि जो बंदे ज्यादा होंगे जनाजे पर, जिसके तो वैसे भी बख्शा जाता है, तो ये तो 20,000 से भी ज्यादा थे। तुम कौन होते हो बात करने? तुम तो 13 महीना 3 महीना 13 महीने, तुम्हें तो कोई जानता ही नहीं है। अब तुम कहाँ बिल्ली बिक्की बन के बैठ गई हो? सामने आओ, निकलो बाहर। अब तुमने जो वायरल किया है हमारे सबके, सुनो इंटरव्यू और आके हमें जवाब दो। अगर ये आपके सामने आ जाए तो क्या करेंगे, क्या एक्शन होगा? सामने आएगा तो मैं या कुछ पेड़ा मारेंगी ना इनू, क्योंकि लग पता जाएगा इधरों मारा की शोर तकीना की एक। समझ आ रही है मादर चोर, सुन रहे मेरी बात को? और तुम तो एक YouTube चैनल चला रहे हो, यहाँ पर तो असल एंकर आते हैं, असल टीवी न्यूज वाले आते हैं, असल चैनल वाले आते हैं, यहाँ पे इनर पाकिस्तान वाले आते हैं, यहाँ पर फैसल मदनी आता है, यहाँ पे कुर्बान लोग आते हैं, यहाँ पर और कितने चैनल वाले आते हैं, मगर आज तक उन लोगों ने किसी को गलत बात नहीं छापी, आज तक उन्होंने किसी की तौहीन नहीं की, आज तक किसी को ब्लैकमेल नहीं किया, आज तक कोई ऐसी बात नहीं की कि हम लोगों पे तकलीफ हो, हम लोगों को दुख लगे, हम लोगों का साथ देते हो,